असल नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोज फिक्स। पाकिस्तान क्रिकेट इन दिनों बहुत ज्यादा खबरों में है। इमरान खान के हवाले से पीसीबी ने जो वीडियो रिलीज की, उस पर क्या मौकफ सामने आया पीसीबी का? नसीम शाह की इंजरी की क्या अपडेट है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी श्रीलंका पहुंच चुकी है और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को मिलने जा रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। आज करेंगे इसी सब पर बात। जी नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों बहुत ज्यादा खबरों में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिनों बहुत ज्यादा खबरों में है, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुछ एक्टिविटीज उनके लिए मुसीबत का बायस बन गई है, उन्हीं के लिए बवाले जान बन चुकी है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो ऑब्वियसली प्रीवियस कुछ ऐसे से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक टू मच पीक सीजन आ रहा है डेट, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब रास्ते सफर बांध चुकी है श्रीलंका के लिए। लेकिन अगर हम स्टार्ट से बात करना शुरू करें तो सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 14 अगस्त वाले दिन एक वीडियो रिलीज की, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री के क्रिकेट के जो बड़े बड़े ग्रेट्स गुजरे उनको उन्होंने हराजे अकीदत पेश करने की कोशिश की। कुछ 2 मिनट 25 सेकंड की ये वीडियो थी, लेकिन इसमें कई एक खामियां नजर आई, कई एक बड़े बड़े क्रिकेटर्स इग्नोर हो गए और उन्हीं में से पाकिस्तान क्रिकेट का एक सबसे बड़ा नाम इमरान खान थे। ये इग्नोर इमरान खान हुए तो इससे बहुत ज्यादा एक पॉलिटिकल तासुर बिल्ड हुआ कि इमरान खान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, इमरान खान को जानबूझकर साइलेंट किया गया। इस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन आया क्रिकेटर्स की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, यूट्यूब फिटिलिटी की तरफ से, यानी थ्रू आउट ऑल ओवर द सोशल मीडिया पीसीबी पे तो बमशेल खोल दिया गया ना। पीसीबी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। 14 अगस्त को ये वीडियो आई, देन 16 अगस्त की रात को, यानी परसों रात को आई थिंक, पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें सिर्फ इतना सा बताया गया जी कि वो वीडियो छोटी थी तो हम उसमें ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके, ठीक है। माफी नहीं मांगी गई अभी तक कि उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्रेट, सबसे बड़े आइकॉन के साथ नाइंसाफी की, हीले बहाने उजर तलाश करने की कोशिश की जा रही है। नहीं ऐसे था तो वैसे था, चूंके तो चूंके, ये ऐसी बात नहीं है, ये जान बूझ के किया गया। और अब इन लोगों को ये बात रियलाइज हो चुकी थी, वो डंडा कहीं से आया ना, इनको ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि पब्लिक रिएक्शन बहुत ज्यादा है। फिर अब एक वर्ल्ड कप के हवाले से कवर अप करने के लिए ना एक और वीडियो जो जारी की गई है जी, कि आगे वर्ल्ड कप आने वाला है तो हम उसके लिए टेम्पो बनाएंगे, अब वर्ल्ड कप को हम जितने भी अभी तक वर्ल्ड कप खेले उनको सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। वो 10 वर्ल्ड कप इन्होंने 2 मिनट की वीडियो में कवर कर दिए। आई थिंक एक एक वर्ल्ड कप में घंटे के व्लॉग्स हो सकते हैं, इतनी पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस रही है। 92 का वर्ल्ड कप जीता, 99 में फाइनल तक गए, 2011 का वर्ल्ड कप शाहिद भाई की क्यादत में जिसका पाकिस्तान ने खेला, बट टोटली ये नजर आ रहा है ये कवर अप करने के लिए किया गया। एक और वीडियो रिलीज की गई, उस पे इमरान खान को काफी हद तक उसमें दिखाया भी गया, लेकिन यार पहले ही अकल को हाथ मार लिया करें ना, ये क्यों अजीमत का निशाना बन रहे। तो है पीसीबी ने अब उसके एक और वीडियो जारी कर दी है, तो उम्मीद करेंगे कि पीसीबी नेक्स्ट टाइम हाथ ओला ही रखेगा, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देन नसीम शाह के हवाले से पिछले दिनों खबर चली गई, वो लंकन प्रीमियर लीग में इंजरी का शिकार हो चुके हैं, सोशल मीडिया और मीडिया पर बहुत ज्यादा लेते होगी, बिकॉज ऑब्वियसली ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। नसीम शाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस टाइम टॉप पेसर है, उन्होंने व्हाइट बॉल में उनकी परफॉर्मेंस देखें, जब से उन्होंने डेब्यू किया है 8 मैचेस में 23 विकेट ले चुके हैं, दुनिया क्रिकेट में आफ्टर 8 के मैचेस इन ओडीआई क्रिकेट सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड नसीम शाह के पास है। और डेट्स व्हाई वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, लास्ट 1-2 सालों में उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा एक्सेल किया अपनी परफॉर्मेंस में, वो तीनों फॉर्मेट्स हो, वो ओडीआई हो, T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो, अमेजिंग परफॉर्मेंस उनकी नजर आ रही है। तो डेट्स व्हाई वो बहुत ज्यादा हॉट प्रॉपर्टी है और उनके इंजरी होना बड़ा नुकसानदेह हो सकता था, लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी क्लैरिटी आई है। देन उसके बाद नसीम शाह का इंटरव्यू भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बात खुलेआम कही कि वो रेस्ट ले रहे थे, देन उसके बाद अब वो 22 तारीख को जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होगा वो उसमें सिलेक्शन के लिए अवेलेबल। देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी श्रीलंका पहुंच चुकी है, अब श्रीलंका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब 3 ODI मैचेस की सीरीज अफगानिस्तान के लिए साथ खेली है। कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान से गए हैं, आई थिंक 11 प्लेयर्स का काफिला यहां से गया है, यहां पे कैंप भी लगा था, 3 दिन का तबीती कैंप लगा था, और कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी श्रीलंका में मौजूद है जो लंकन प्रीमियर लीग खेल रहे थे, तो उन्होंने वहीं पर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया। और इतलात के मुताबिक मिकी आर्थर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे थ्रू इन अफगानिस्तान सीरीज, और इंडिया के मैच तक वो पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे, देन वहां से वो
चले जाएंगे दोबारा इंग्लैंड डर्बी शहर में और फिर वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो पाकिस्तान टीम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजन शुरू होने जा रहा है, लाइक अफगानिस्तान की सीरीज है, देन एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, देन ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। तो ये जो सीजन पाकिस्तान टीम का शुरू होने जा रहा है ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। और जिस तरह थ्रू आउट द वर्ल्ड अब एक बात चल रही है कि पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पाकिस्तान के पास देखें टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के पास बॉलर्स फास्ट बॉलर्स स्पेशली बहुत अच्छे हैं, उनकी हैंडलिंग की जरूरत है, वो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। देन इन दिनों खबरें चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो देना है, क्योंकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जून के आखिर में खत्म हो गया था, लेकिन फिर एक मंथ की एक्सटेंशन दी गई थी इसमें, और देन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को। इस हवाले से बातचीत भी चल रही है प्लेयर्स के साथ, स्पेशली बाबर आजम को कॉन्फिडेंस में लेने की ट्राई आउट किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का मुआवजा 2 से 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा, तकरीबन 40-45 लाख महाना तनखा जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनके लिए तजवीज़ की गई है, मैच फीस है वो भी काफ़ी हद तक इजाफा किया जाएगा। जब डिटेल इसकी स्टडी आ जाएगी तो अब हम जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। बट देखें ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले कुछ ऐसे में ज्यादा माल बना रहा है, तो इसका फायदा प्लेयर्स को भी होना चाहिए। लाइक आप अपने पड़ोसी मुल्क में देखें वहां का प्लेयर कितना कमा रहा है और हमारा बाबर आजम कितना कमा रहा है, उनका नॉर्मल सा प्लेयर बाबर आजम जितने कमा रहे होते हैं पीएपी उनकी डोमेस्टिक से, उनके आईपीएल से, उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि लीग के लिए भी एक पैटर्न बनाया जाएगा कि जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स होंगे वो सिर्फ एक लीग खेल सकेंगे साल में, जो बी कैटेगरी के प्लेयर होंगे वो 2 लीग्स खेल सकेंगे साल में, जो सी कैटेगरी के प्लेयर्स होंगे वो 3 लीग्स खेल सकेंगे साल में। तो लेट्स सी क्या एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन निकलता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे शेयर की है जो फिलहाल चल रही है, लेट्स सी आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स आ रही है उस पर भी डिस्कस करेंगे। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान दुआओं में रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।